भगवान कृष्ण के माता पिता कष्ट में थे, जेल के अंदर कष्ट ही तो है। माता पिता कहाँ थे? कष्ट में थे। और बेटे का धर्म क्या है? अपने माता पिता को कष्ट से मुक्त करना, माँ बाप के कष्ट को मिटाना। भगवान ने वही कहा तो मैया क्या कह रही, कहाँ गए? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी, हाँ या ना? कौन सा मंदिर है उज्जैन में? द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, कालों के काल। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में भगवान पढ़ने गए। भगवान कृष्ण के गुरुजी का नाम क्या था? सांदीपनी, जो पढ़ाने वाले। 64 दिन रहे, 64 विद्याएं सीखी, वहीं सुदामा जी से दोस्ती हुई। भगवान कृष्ण की मित्रता सुदामा से कहां हुई? उज्जैन। सुदामा कहां के थे? पोरबंदर, गुजरात। और श्री कृष्ण वृंदावन। भगवान उज्जैन में जब गए तो वहां 64 दिन 64 डेज रहे। 64 दिन में पढ़ाई पूरी कर ली, सारी डिग्रियां। अल्पकाल विद्या सब पाई, कम समय में भगवान ने ज्यादा पढ़ लिया। और पढ़ करके और गुरु जब दक्षिणा में क्या दिया भगवान ने? गुरु दक्षिणा में क्या दिया? जोर से ये लाल बाल वाली भैया बताएंगे। गुरु दक्षिणा में क्या दिया भगवान ने? हाँ, गुरु सांदीपनी जी का जो बेटा था ना, वो मर चुका था। पुत्र, गुरु पुत्र क्या हुआ था? गुरु पुत्र की मृत्यु हो गई थी। मरे हुए पुत्र को जीवित करके भगवान कौन है? साक्षात नारायण, जो सालों पहले मर चुका था। कितने साल पहले? 10 साल पहले। गुरु जी का बेटा 10 साल पहले मर चुका था, पर मरे हुए पुत्र को जीवित किया भगवान ने। और गुरु दक्षिणा मांगी गुरु माता ने, तो गुरु दक्षिणा में मरा बेटा जिंदा करके पूरा जस का तस। ये कौन कर सकता था? जोर से, ये किसी इंसान के वश का था? इसलिए कृष्ण को सामान्य मनुष्य नहीं, भगवान के रूप में देखना चाहिए। जो भगवान पर संदेह करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो पूरा जानते नहीं। इसलिए कहता हूं अपने बच्चों को अपने धर्म की बातें पूरी बताओ। ये सब कुछ लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है, कोई मनमुखी नहीं बोल रहा हूं। भागवत जी पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा, हाँ या ना? गुरु पुत्र दिया, ये भगवान ही कर सकते। अब देखो